पिछले कई दिनों से लगातार मैं इस लोकसभा के क्षेत्र में घूम रहा हूं और मैं जहां जा रहा हूं वहां हमें लोग अपना परिचय देते हैं कि हम नेताजी के बहुत पुराने साथी हैं। और जब मैं जसवंत नगर में आया हूं और उस क्षेत्र में आया हूं जहां पर नेताजी ने अपनी शुरुआत की हो राजनीति की, तो यहाँ जितने हमें बुजुर्ग और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं ऐसा कोई नहीं होगा, कम ही लोग होंगे जो व्यक्तिगत नेताजी से न मिले हों। और जब कभी चुनाव रहा होगा या कभी क्षेत्र में घूमने नेताजी अपने आए होंगे तो लोग आप लोगों से वोट मांग करके गए होंगे। और यहाँ ऐसे भी बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जिनके गांव में नेताजी आए होंगे, वोट मांग करके गए होंगे। अभी चाचा बता रहे थे कि नेताजी ने उस समय पर साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल, जीप या जो भी साधन रहा होगा उस साधन से आपके बीच में आए होंगे। आपने नेताजी को बढ़ते देखा है, कभी आपने एक विधायक के रूप में देखा होगा, फिर वो मंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष नेता विरोधी दल भी रहे, जीत गए वो भी समय देखा, और जब कुछ वोटों से नहीं जीत पाए वो भी समय आपने देखा होगा। और ऐसा समय भी देखा होगा जब इस इलाके में सड़कें नहीं रहा करती थी, नेताजी कभी अगर हेलीकॉप्टर से आए होंगे धूल धक्कड़ इतना उड़ता था कि लोग एक दूसरे का जब मिट्टी झड़ जाती थी तब पहचानते थे कौन बगल में खड़ा है। मैं इस इलाके में बहुत पहले आया हूं और शायद मैंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा होगा, कभी ऐसे ही घूमने आया मैं किसी नहर की पटरी से। जब मैं एक बार आया बहुत पहले तो लोगों ने बताया कि ये चिकनी सड़क हॉट मिक्स नेताजी ने बनवाई है और ये जसवंत नगर के पुराने लोग ये सब जानते होंगे कि इस क्षेत्र में हॉट मिक्स सड़क का अगर किसी ने परिचय दिलाया है तो वो नेताजी ने दिलाया। और वही हॉट मिक्स की सड़कें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बनवाई तो हमारे चाचा और आपके विधायक सुभाष यादव ने। ये सड़कों का नेटवर्क और सड़कें जोड़ रही लोगों को, सड़कें बन गई, बिजली का इंतजाम हुआ और जो कुछ विकास कर सकते थे वो सब नेताजी के समय का और समाजवादियों ने करा के दिखाया। नेताजी को आप सब जानते हैं,